अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का रिज व्लॉग्स के चैनल पे। तो आज मैं कोई आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिस रेसिपी का नाम है चना बोटी। और ये बहुत ये जो रेसिपी है ये बहुत ही फेमस रेसिपी है चना बोटी, और इसे हर कोई अपने स्टाइल में बनाता है। तो आज मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो जब तक मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, तो जब तक जिस लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिए। अगर आप लोगों को इतनी टेस्टी रेसिपी अपने घर में बनानी है तो इसका एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिए। तो चलो रेसिपी बनाने के लिए चलते हैं किचन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चना बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले ली हूँ, आधा किलो यानी 500 ग्राम। इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए हूँ, देख सकते हो आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर गर्म मसाले ली हूँ, जैसे कि यहाँ पर है रेड चिली पाउडर, ये मैंने 2 छोटा चम्मच भर के ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर धनिया ज़ीरा पाउडर है, ये भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर है, तो इसे मैंने 1.5 छोटे चम्मच ली हूँ। उसके अलावा आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ली हूँ, टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक ली हूँ, और ये है रेड फूड कलर, ये मैं चुटकी भर लूँगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला ली हूँ, आप कोई भी मीट मसाला ले सकते हो, मैंने एवरेस्ट का ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से फाइन चॉप की हूँ, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ, इसे मैंने रफली चॉप की हूँ इस तरह से स्लाइस में। अब यहाँ पर ये इस गोश्त में मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी, पाउडर मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अलावा ये मीट मसाला भी मैं इसमें डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/2 छोटे चम्मच के जितना मैं इसमें डालूँगी। उसके अलावा ये रेड फूड कलर मैं इसमें डालूँगी, 1 पिंच जितना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारी चीज़ें हाथों की मदद से मैं गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने सारी चीज़ें गोश्त में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पर कुकर में मैंने ऑयल गर्म कर ली हूँ, और इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज मैं फ्राई करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक कलर देना है। प्याज हल्का सा पिंक हो जाए तो ये गोश्त मैरिनेट किया हुआ मैं इसमें डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी 1-2 मिनट तक। मैंने 2 मिनट तक गोश्त को प्याज में अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये चॉप किया हुआ टमाटर डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे भी गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। में मैंने गोश्त को मैरिनेट की थी, उसमें 1/2 गिलास पानी डाल के इस तरह से गोश्त गलने के लिए मैं पानी कुकर में डाल दूंगी, और इसकी लीड लगा के गोश्त गले तक मैं सीटी ले लूंगी। यहाँ पर मैंने कुकर खोल दी हूँ, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग इतने अच्छे से कुक हो चुका है। रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम पे रखी हूँ, इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल गरम करी हूँ। इसमें मैं ये 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 3 से 4 सेकंड के लिए मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली हूँ, और थोड़ा कड़ी पत्ता ली हूँ, तो इसे भी मैं ऑयल में डालूँगी। मिर्च मैंने चीरा लगा के ली हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जो हमारा गोश्त है जो जिसे हमने गला के रखे थे, ये मिला देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे, देख सकते हो कितना मज़ेदार, कितना यमी सा लग रहा है ये, और कितना इजी है इसे बनाना। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चना बोटी इस तरह से बनाना। डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच से भी कम गर्म मसाला पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अलावा मैं इसमें एक लेमन जूस डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं, 2 मिनट तक कवर करके रख दूंगी स्लो फ्लेम पे।
इसकी लीड हटा के देखेंगे, मज़ेदार सा यम्मी सा चना बोटी बनकर रेडी हो गया है। इसमें मैं डालूंगी अभी थोड़ा कटा हरा धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे भी करूंगी अच्छे से मिक्स। थोड़ा अभी डालूंगी, थोड़ा डिश आउट करने के टाइम डालूंगी। देखिए माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुका है यम्मी सा चना बोटी, देख सकते हो आप लोग कितना डिलीशियस लग रहा है। और इसे बनाना नहायत ही ईजी है, तो अगर आप लोगों के घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो इसे आप लोग बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो, और बहुत ही जल्द बनकर रेडी होने वाली रेसिपी है ये, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसे रोटी, नान, पराठे, पूरी वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो मैं किस चीज़ के साथ इसे खाने वाली हूँ वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये है कुलचा, और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हो तो ये है शीरमाल। इसे शीरमाल कहते हैं, जो सिर्फ लखनऊ में मिलती है, मुंबई में नहीं मिलती, और अगर मिलती भी होंगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादातर तो सुनी हूँ कि ये सिर्फ लखनऊ में मिलती है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। इसे इस तरह के सालनों के साथ खाया जाता है, और चाय के साथ तो ये इतनी यम्मी लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले लखनऊ गए थे, तो उन्होंने हमारे लिए वहाँ से बहुत सारी ले आए हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है शीरमाल। उसके अलावा ये भी ले आए हैं, इस तरह का कुलचा भी मिलता है। तो कुलचे तो हमारे यहाँ भी मिलते हैं मुंबई में, लेकिन इस तरह का टेस्टी और यम्मी नहीं मिलता है। तो इसे मतलब फ्रीज में रख के मतलब काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, बस खाने के टाइम इसे तवे पे इस तरह से गरम करना होता है, या फिर ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन तवे पे करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस सालन के साथ मैं ये शीरमाल इंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। अगर आज आप लोगों को मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तो अपना खास ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी याद कीजिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।